सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। जी बिल्कुल, बलाखिर 8 साल के तवील मुद्दत के बाद इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ की ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाते हुए कहा कि पीटीआई ने ममनुआ फंडिंग ली। जी बिल्कुल, आज इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि पीटीआई ने ममनुआ फंडिंग ली। इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग का केस का फैसला आज सुबह 10 बजे सुनाने का ऐलान किया। ताहम कुछ देर की ताखीर के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने 3 रुकनी बेंच का मुतफिका फैसला सुनाया। फैसले के मुताबिक साबित हुआ कि पीटीआई ने ममनुआ फंडिंग ली है। 13 नामालूम अकाउंट सामने आए, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूएई समेत मुख्तलिफ ममालिक से एहतियात लिए गए। पीटीआई ने इन अकाउंट्स के बारे में बताने में नाकाम रही। आइन के मुताबिक अकाउंट छुपाना गैर कानूनी है। पीटीआई ने 34 गैर मुल्कियों और 351 कारोबारी इदारों और कंपनियों से फंड्स लिए। सियासी जमातों के एक्ट के आर्टिकल 6 से मुतल्लिक ममनुआ फंडिंग है। इमरान खान ने फार्म 1 जमा कराया जो गलत बयानी और झूठ पर मबनी है। पार्टी अकाउंट से मुतल्लिक दिया गया बयान हल्फी भी झूठा है। इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग साबित होने पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ को शो काज नोटिस भी जारी कर दिया। जी യഥാർത്ഥ ഫ്രൂട്ട്സും 100% നാച്ചുറൽ ഫ്ലേവറുകളും ചേർത്ത ഓട്ടോമേറ്റഡ് അൾട്ര മോഡേൺ ഫാക്ടറികളിൽ കൈത്തൊടാതെ നിർമ്മിച്ച ലാസ ഐസ്ക്രീം. ഇത് റിയൽ ഐസ്ക്രീം, ഇത് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ. ലാസ ഐസ്ക്രീംസ് സിൻസ് 1970.